कश्मीर से आतंकियों के पूरी तरह से खात्मे में जुटे सुरक्षा बल। श्रीनगर में हैदरपुरा में मुठभेड़ में एक आतंकी की आज ढेर। चेनाब रीजन में सड़कों पर लगातार बह रहा लहू। डोडा सड़क हादसे में सेना के जवान की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से हुआ घायल। और कांग्रेस के जन जागरण अभियान में केंद्र व जम्मू कश्मीर प्रशासन पर लग रहे नाकामियों के आरोप। मीर बोले, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में लूटा सरकारी खजाना। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कश्मीर घाटी में आतंकियों के पूरी तरह से सफाई के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में श्रीनगर में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आज एक आतंकी को मार गिराया। दरअसल श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां तलाशी अभियान शुरू किया था और इसी के दौरान वहां छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। और सुरक्षा बलों के इस दल ने हालांकि यहां संयम बोलते हुए आतंकियों से सरेंडर करने की बार बार अपील की, लेकिन उन्होंने हर अपील का जवाब गोली से दिया। बार बार समझाने के बावजूद भी जब ये आतंकी नहीं माने तो सुरक्षा बलों को मजबूरन बड़ा प्रहार करना पड़ा, जिसमें इस आतंकी की मौत हो गई। यह आतंकी मारा गया और यह ऑपरेशन फिलहाल जारी है और बताया जा रहा है कि मौके पर अभी कुछ और आतंकी हो सकते हैं। चेनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों में आज यहां पर आए सड़क हादसे जो पेश आया है वो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था और आज एक कड़ी एक और फिर से यहां पर जुड़ती हुई नजर आई है। तो डोडा में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर दूर बिमना भागवा मार्ग पर तब पेश आया है जब वहां से गुजर रही एक गाड़ी चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरे नाले में गिर गई है। और इस हादसे में गाड़ी में सवार एक शख्स की मौके पर मौत हो गई जिसकी पहचान 21 वर्षीय परमजीत पुत्र चुन्नीलाल निवासी ललूर के रूप में की गई जो टेरिटोरियल आर्मी का जवान था। वहीं घायल की पहचान 45 वर्षीय खुर्शीद अहमद पुत्र यहां मोहम्मद अकबर निवासी बिमना के रूप में की गई। कि ये गाड़ी डोडा के लिए आ रहे थे तो आते ही वहाँ पे रोड में भी आगलोक वगैरह तो खत्म हो चुकी है, जंपिंग बहुत ज्यादा है, तो बोल रहे गाड़ी ने जंप खाया और गाड़ी एकदम उछल के नीचे चला गई। और ये तकरीबन जो खुर्शीद साहब अभी यहाँ पे हैं हॉस्पिटल में, ये भी तकरीबन कोई 250 फुट नीचे जाके गिर गए। और जो दूसरा बंदा जिसकी ऑन स्पॉट मौके पे डेथ हो गई वो काफी नीचे चला गया, तकरीबन कोई नाले में गाड़ी पहुंची है उसके साथ में लास्ट। तो उसके बाद वहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ से रेस्क्यू वहाँ के लोकल लोगों ने इनको उठाया, ऊपर लाया। ऊपर लाने के बाद यानी कि प्राइवेट गाड़ी में, अपनी गाड़ी में यहाँ डोडा में। तो देश भर में बढ़ रही महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए जन जागरण अभियान के तहत आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा नगरोटा में एक रैली निकाली गई और पीसीसी अध्यक्ष जीए मीर की अध्यक्षता में आयोजित इस रैली के दौरान सभी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में ना तो महंगाई पर रोक लग रही है और ना ही बेरोजगारी दूर हो रही है और खत्म करने के लिए एकदम यहां कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मीर ने केंद्र सरकार के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम पर भी सवालिया निशान लगाते हुए इस अभियान को सरकारी खजाने की बर्बादी करार दे दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुरक्षा तंत्र को केंद्रीय मंत्रियों की सुरक्षा में लगाए जाने से आतंकियों को मौका मिल गया है और उन्होंने कई बेगुनाहों को अपना निशाना बना दिया। अपने यूनियन मिनिस्टर्स में जम्मू कश्मीर की बात करूं, 70-70 यूनियन मिनिस्टर्स 3 महीने में यहां घुमा लेते हैं तो फायदा क्या हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों को? उसके बजाय यहां का पैसा, हमारे एक्सचेकर का पैसा 400 करोड़ से ज्यादा उनके प्रोटोकॉल्स, उनके खाने पीने, उनके पिकनिक पर खर्च हुआ। और दूसरा नुकसान जो सिक्योरिटी अपैरेटस यहां पर जम्मू कश्मीर में चूंकि सेंसिटिव हमेशा से रहा है तो जो सिक्योरिटी अवेलेबल होती थी वो उन 70 मंत्रियों के आगे पीछे लगाई, जिसकी वजह से आपने देखा इनोसेंट किलिंग्स, सिविलियन किलिंग्स, और जिसका आज तक सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है, किसी चीज का जवाब नहीं दे पा रही है। ऐसे में जो जनता को प्रॉब्लम्स जो इस वक्त फेस करनी पड़ती है उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए, जिसमें स्टेटहुड की भी बात है कंटिन्यूसली, चूंकि हम देख रहे हैं नुक एंड कॉर्नर में ये किसी एक जमात की डिमांड नहीं, किसी एक मजहब की डिमांड नहीं, किसी एक खत्ते की डिमांड नहीं है, अक्रॉस जम्मू कश्मीर
चाहे किसी सियासत के साथ हो, उनको एक सदमा है कि हमारी एक बनी बनाई स्टेट थी उसको भाजपा ने ओवरनाइट खत्म क्यों किया, हमें यूटी में क्यों डाल दिया। तो उन सारी चीजों का जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों के साथ मिलकर आवाज नहीं उठाएगी शायद उनको भी समझ नहीं आएगा। पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में प्राकृतिक आपदा से आहत हुए किसानों को उनकी फसलों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा दिए जा रहे मुआवजे को नाकाफी बता दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मात्र 600 रुपए प्रति कनाल के हिसाब से यहां पर यह पैसा दिया जा रहा है। यह मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जिसे बढ़ाने के लिए प्रशासन का गौर फरमाना बहुत जरूरी है। और पिछले दिनों जम्मू दौरे पर पहुंची महबूबा मुफ्ती ने आज बिश्नाहा और आरएसपुरा में जहां पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठकें की, तो वहीं किसानों से भी मुलाकात कर उनका दुख दर्द साझा किया। आरएसपुरा में महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यकर्ता सरताज सिंह से यहां आवास पर भी मुलाकात की और उनसे पहुंचकर उनका हालचाल भी जाना और फिर पिछले कुछ समय से यहां किस तरह से काम चल रहा है उसको लेकर भी मंथन किया गया। मुश्किल आते हैं, खासकर जो अभी हाल ही में बारिश हुई जी, उससे धान का बड़ा नुकसान हुआ और सरकार जो कंपनसेशन दे रही है वो बहुत कम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है नुकसान के साथ। उसके अलावा इंश्योरेंस की कोई वाजह पॉलिसी नहीं है ताकि सब लोग इंश्योरेंस करते और उनको इस वक्त मुश्किल वक्त में कोई मदद मिलती। तो पूरे दुनिया मुल्क के अंदर करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, मगर सरकार भूल गई है कि ये राशन किसान पैदा करता है। अगर किसान धान पैदा नहीं करेगा तो वो बांटेंगे क्या? तो इसलिए मेरा यही है, जो सरकार है इस वक्त उनसे ये कहना है कि जो यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है, खासकर बासमती इस इलाके में होती है, तो उसका जो नुकसान हुआ है उसका सही वो लगाया जाए, अंदाजा लगाया जाए और लोगों को माकूल मुआवजा दिया जाए, एडुकेट मुआवजा दिया जाए। कंपनसेशन की 600 रुपए से तो कुछ होने वाला नहीं है, जबकि हजारों रुपए जो है एक कनाल पे खर्च होता है। और इसके अलावा राशन कार्ड्स की लोगों को बहुत दिक्कत है, राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं। यहाँ जो गरीब लोग हैं उनको राशन कार्ड नहीं मिलते हैं, बीपीएल से लोगों के नाम कार्ड दिए गए हैं, उसकी वजह से बड़ी परेशानियां हैं। तो ये सारी परेशानियां, तो इसके बारे में हम सरकार से बात करेंगे, क्योंकि जो 600 रुपए उसको मुआवजा दे रहा है उसका तो पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकलेगा उसका। इसलिए मैं चाहूंगी कि सरकार इसका नोटिस ले और जो मुआवजा है उसको बढ़ा के, ताकि कम से कम जो ये घास कटाई है वो भी उसमें भी हजारों रुपए खर्च होते हैं। तो बासमती से ही जम्मू का जो है अपनी इकोनॉमी चलती है और ये उचित दर और ये जो सारे एरिया है ये मुफ्ती साहब का ख्वाब था। तो आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आज देश भर में उन्हें भावनी श्रद्धांजलि दी गई। उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है और जम्मू में भी जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर में जनजातीय समाज के इतिहास, रहन सहन व समाज में इसके द्वारा दिए जा रहे योगदान पर प्रकाश डाला गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने विभाग में अधिकारियों द्वारा इस समुदाय से संबंधित कई जानकारियां देने के साथ साथ इन्हें पेश आ रही दिक्कतों से भी वाकिफ करवाया। उपराज्यपाल ने इस कार्यक्रम में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को भी इनका लाभ सौंपा है और उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे। राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की नई इमारत का काम जल्द पूरा होने की उम्मीद बंधी है। मौसम की खराबी के कारण अक्सर बाधित रहने वाली इस परियोजना का जीएमसी के प्रिंसिपल ब्रजमोहन ने निरीक्षण कर इसमें विलंब होने के कारण भी यहां पर बताया है और इन कारणों की समीक्षा भी की है। ब्रजमोहन ने बताया कि ठेकेदार ने पेमेंट का भुगतान होने का मुद्दा अब उनके समक्ष उठाया है, जिससे वे पहले ही वाकिफ नहीं थे। वे परियोजना और साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए। ये परियोजना जल्द से जल्द संपन्न हो इसके लिए वे प्रतिबद्ध हैं और इसमें विलंब होने के जितने भी कारण हैं उनके नोटिस में पूरी तरह से वो लाए गए हैं और उन्हें जल्द ही अतिरिक्त मुख्य सचिव और उनके साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ भी साझा करेंगे।
पिछले दिनों काफी बारिश रही, काम 15-20 दिन काम बंद रहा, उसके लिए मुश्किल जरूर आती है क्योंकि इनके गाड़ियां नहीं ऊपर पहुंचती, सामान नहीं ऊपर पहुंचता, लेबर नहीं ऊपर पहुंचती है, जिसके कारण ये थोड़ा सा ये डिले हुआ। बट जैसे मैंने आज क्लियर कट इनको इंस्ट्रक्शन दी है कि ये काम मेरे को एज अर्ली एज पॉसिबल होना चाहिए। इन्होंने जो इश्यूज आज मेरे सामने रखे हैं रिगार्डिंग द पेमेंट्स, रिलीज ऑफ द पेमेंट्स, इन्होंने मैंने कम से कम जब से मैंने टेक ओवर किया है 15-20 बार मैंने यहाँ पे चक्कर लगाया, दे नेवर रेज द इशू ऑफ पेमेंट्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम। मैं ये जो सारा आज का जो वक्त है ये ब्लैक एंड व्हाइट में रख के मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन को भी ये इंफॉर्मेशन दूंगा, दीज आर द इश्यूज दे हैव क्रिएटेड, दे हैव टोल्ड मी एंड फॉर विच द थिंग्स आर डिलेड। डूडा कस्बे में अक्सर लगे रहने वाले जाम और यातायात नियमों की सरेआम उड़ाई जा रही धज्जियों का नोटिस लेते हुए पुलिस हरकत में आ गई है और पुलिस ने आज कस्बे में एक बड़ा अभियान चलाकर कई दोपहिया वाहन भी जब्त कर लिए हैं। तो जहां तक आज का हमारा ये इसका है अपना ट्रैफिक वायलेशन को देखते हुए, जो टू व्हीलर से बहुत ज़्यादा टू व्हीलर्स वायलेशन हो रही थी, तो उसमें जो लोग विदाउट हेलमेट चल रहे थे, तो आज हमने विदाउट हेलमेट जो भी चल रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की है। हमारे पास यहाँ पार्किंग की कमी है, इस वजह से लोग सड़क पे पार्क करते हैं गाड़ी। हम बार बार लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं, अपनी गाड़ी से क्रेन भी भेजते हैं, क्रेन से गाड़ियां उठवाते भी हैं, तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी, काफी सुधार आया है। जैसे ही थोड़ी पार्किंग की हमें जगह मिलेगी और हम करेंगे। बाकी सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ी प्रॉपर रोड पे मत लगाएं, देख के लगाएं पार्किंग आपकी गाड़ी जो है। हमने एक वाइट लाइन ड्रा किया, वाइट लाइन के अंदर गाड़ी लगाएं तो आप हमें परेशानी नहीं है। तो कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन भले ही कई कोशिशें कर रहा है, लेकिन प्रशासन की इन कोशिशों को यहां पूरी तरह से पूरा कैसे किया जाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि दावों पर कई जगह पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। टंगमर्ग के द्रंग की ओर जाने वाली करीब 3 किलोमीटर जो सड़क है, इसकी अगर बात की जाए तो इसकी बदतर हालत हो चुकी है और सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। वाहन चालकों और पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है, अनदेखी का खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। ये मार्ग कई गांवों को आपस में जोड़ता है और लोगों की माने तो इसकी मरम्मत के लिए लगाई गई हर गुहार को अनसुना किया गया। अभी मेरे साथ ये टूरिस्ट हैं, बाहर के गेस्ट हैं, ये लोग महाराष्ट्र से हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ से ऊपर जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर रोड बहुत खस्ता हो चुका है, बहुत खराब रोड है, आप खुद भी देखिएगा यहाँ पे खराब है, बिल्कुल सिंगल रोड है। तो ये करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के जो हमारे चाहे गवर्नर साहब हैं या डीसी साहब हैं या एसडीएम साहब हैं, तो उनको ये देखना चाहिए था। अगर ये टूरिस्ट मकाम है, यहाँ पे लोग जाते हैं, भीड़ ज्यादा रहती है, रास्ता सिंगल है, तो इसको देखना चाहिए था। तो हमने बहुत बार गुजारिश भी हुकूमत से की थी कि इस रोड पे तवज्जो दी जाए, लेकिन आज तक इस पे कोई तवज्जो नहीं देगी। तो दूसरी बात, ये जो द्रंग है ये टूरिस्ट प्लेस भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन उनको भी दिक्कत हो रही है, चाहे टूरिस्ट आए चाहे लोकल आए, क्योंकि यहाँ पे जो कोई पेशेंट होता है तो उसको भी, पेशेंट को भी यहाँ पे दिक्कत होती है आने में, क्योंकि रोड में बड़े बड़े खड्डे। तो अनंतनाग के लारनो इलाके में सेना के 19 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन द्वारा आयोजित कटिंग एंड टेलरिंग कोर्स आज संपन्न हुआ है। कोर्स के समापन पर इसमें भाग लेने वाली महिलाओं में आज सेना द्वारा सर्टिफिकेट के अलावा सिलाई मशीनें भी बांटी गई, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपना परिवार चला सके। कोर्स के समापन समारोह पर 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सहित पंजाब के यहां प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। हमारा मकसद यही था जो जरूरतमंद। तो आपने देखा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने किस तरह से यहां पर कार्यभार संभाला हुआ था, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भी किया, आगे बढ़ जाएगी। और सेना का सरला बटालियन की तरफ से पंच के सीमावर्ती गांव खड़ी करमाड़ा में वन विभाग के सहयोग से आज पौधारोपण अभियान शुरू किया गया और इस अभियान की अध्यक्षता यहां डीएफओ पंच और सरला बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर की ओर से यहां स्कूली बच्चों ने भी पहुंचकर किया है। पौधे यहां पर लगाए गए और इस आयोजन के तहत सेना द्वारा 1 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज जो प्लांट्स लगाए हैं कृष्णा घाटी ब्रिगेड के साथ हमने, इसमें टोटल टारगेट इन्होंने रखा है 1,00,000 प्लांट्स का, जो कि मेंढर से पूंछ तक है। इसके अलावा हमारे पूंछ फॉरेस्ट डिवीजन है, वो इस साल विंटर में अराउंड 1,50,000 के लगभग प्लांट्स लगाएगा। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है वन बेड गार्ड वन विलेज, जिसमें कि एक बेड गार्ड जो पर्टिकुलर बेट में रहता है वो आसपास के गांव में हर गांव में प्लांट्स देगा और सीड बॉल्स देगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी फोडर प्लांट्स देगा या टिम्बर प्लांट्स देगा। तो तमिलनाडु में होने जा रही हॉकी की राष्ट्रीय स्तर की टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की टीम का हिस्सा बनने के लिए यहां के खिलाड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसी संबंध में जम्मू में जूनियर टीम के ट्रायल शुरू हो गए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन ट्रायल्स में चुने गए उमदा खिलाड़ियों के लिए 18 नवम्बर के कैंप को यहां पर शुरू किया गया है। 18 नवम्बर से ये कैंप शुरू हो जाएगा और कैंप में ही स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को भी अंजाम देने के बाद टीम चुनी जाएगी, जिससे तमिलनाडु के लिए रवाना भी इन बच्चों को कर दिया जाएगा। इलेवेंथ हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल मेन चैंपियनशिप का जो ट्रायल्स हो रहे हैं ये 14 से 25 तारीख को तमिलनाडु में हो रही है। तो इस चैंपियनशिप के लिए जो हमारे ट्रायल्स देने के लिए जो बच्चे आए हैं, पूरी रियासत के अलग अलग जिलों से जो बच्चे आए हैं, वो केवल लगभग 87 बच्चे यहाँ आए हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं कर रहे थे, उनको हम लोगों ने अभी स्टैंड बाई पर रखा है। तो लगभग 100-125 के लगभग बच्चे यहाँ ट्रायल देने के लिए आए थे हमारे पास, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब लड़के जो हैं ये सब जूनियर कैटेगरी में बिल्कुल फाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाकी स्टेट्स की तरह जो है इसमें ओवर एज बच्चे लेके जाएंगे। तो ये ट्रायल जो है ये 3 दिन चलेंगे, 15, 16 और 17 को। 18 को फिर इनका भी कैंप शुरू हो जाएगा, जो 22 या 23 बच्चे जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे उनका कैंप शुरू हो जाएगा एक्सपर्ट कोचेज की निगरानी के अंदर। तो जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भागा की तर्ज पर सुचेतगढ़ स्थित ऑक्ट्राय पोस्ट पर ही सप्ताह में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आगाज किया था और प्रशासन ने जिस उद्देश्य को लेकर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आगाज किया था, लगता है वे पूरा हो रहा है। रविवार को ऑक्ट्राय पोस्ट पर आयोजित होने वाली सेरेमनी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचकर बीएसएफ के जवानों का ये जोश देख रहे हैं और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के दौरान बीएसएफ के जवानों द्वारा देशभक्ति के गीतों के माध्यम से यहां आने वाले पर्यटकों का भी मनोरंजन करते हैं, जिसका वो खूब लुत्फ उठा रहे हैं। तो रामबन की मैत्रा इलाके की वार्ड नंबर 9 में पहली बार सड़क का निर्माण शुरू होने पर लाखों को यहां पूरी तरह से लोग जो हैं लाखों की तादाद में उन्हें मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई है और बीडीसी सदस्य रेणुका कटोच ने आज इस सड़क का काम औपचारिक तौर पर शुरू करवा दिया, हालांकि इसका ई उद्घाटन पहले से ही हो चुका है। आज हमने इसका यहाँ पे अर्थवर्क स्टार्ट किया। बहुत से ऐसे मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे अभी रोड नहीं पहुँची है और मेरी इस आज मेरी होम पंचायत से इसकी शुरुआत हुई है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देती हूँ यहाँ के मैत्रा ए के लोगों का जिनके लिए ये रोड जारी है। रेणुका कटोच जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वार्ड नंबर 9 में जो हमें रोड नहीं था, हमें बहुत सारी मुश्किलें थी, तो यहाँ पे रोड की बहुत सख्त जरूरत थी, हमें ऊपर से जाना पड़ता था। सब इंस्पेक्टर पदों में भर्तियों के लिए प्रशासन द्वारा उम्मीदवारों को दी गई 2 साल की छूट और 400 पद बढ़ाने के विरोध में ही आप देखिए किस तरह से युवा जो हैं वो उतरते हुए नजर आए। जम्मू में आज भी उम्मीदवारों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से इन भर्तियों के लिए उम्र में 5 साल की छूट देने की मांग कह दी है और क्या कुछ यहाँ पर कहना था इन युवाओं का देखिए। बिल्कुल मंजूर नहीं है, वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, वो बिल्कुल लीगल ग्राउंड से परे है, रियलिटी से परे है। हम एलजी साहब को बार बार यही गुहार लगाते हैं, एलजी साहब रूल्स वायलेट हुए हैं, हमारे राइट्स हमसे छीने गए हैं, हमें 12 साल में एक ही मौका दिया गया है। आप इन लोगों को पूछो
कि ये बच्चे बार बार कह रहे हैं 12 साल में हमें 2009 के बाद एक ही मौका मिला, ऐसा क्यों हुआ? क्यों क्यों अपने पोस्टर हर साल एडवर्टाइज नहीं किया? अगर रूल SRO 2005 का रूल 2 ये बात कहता है तो कौन इसके लिए जिम्मेवार है? LG साहब नाकामियां इनकी और खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। आज ये हम लोगों को 2 साल का एज रिलैक्सेशन देके 400 पोस्टर चले, बड़ी बड़ी बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 साल का एज रिलैक्सेशन देके सोचते कि यूथ को हम चुप करा लेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। LG साहब हम आपको मिलना भी चाहते हैं, बड़ी हमने अपॉइंटमेंट की कोशिश की, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है LG साहब। तो बॉर्डर बटालियन के लिए होने वाली भर्तियों के उम्मीदवारों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन उम्मीदवारों ने उन्हें अधर में लटकाने का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन युवाओं का कहना था कि फिजिकल टेस्ट का पड़ाव पार किए जाने के बावजूद भी उन्हें 3 साल यहां पर समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी लिखित परीक्षा नहीं ली जा रही है। उन्होंने बताया कि वो खाकी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं दिया जा रहा। हाँ जी सर, सर हम JKP बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं। 2.5 साल हो गए हमारा, इन्होंने फिजिकल कंप्लीट करवाए हुए हैं, आज तक रिटर्न का कोई एग्जाम नहीं है, अपडेट नहीं है। और पहले तो बोलते थे कि उनकी कश्मीर वालों की भर्ती नहीं हो पा रही है, उनकी भर्ती भी हो गई कोरोना की वजह से। अब सारे सबके पेपर हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के पेपर हो रहे हैं, JKP वाले ले रहे हैं हमारा पेपर। तो हम चाहते हैं कि हमारा पेपर ले। तो पहले बोलते थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वो भी अभी डिले करते 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 कितना टाइम लगा लिया इन्होंने। और अभी हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी पेपर लें, और आगे बोलेंगे ये हमारी स्नोफॉल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस हमारा पेपर ले लें जितनी जल्दी हो सकता है। PRB की तरफ से जो इनका बोर्ड है कि रिटर्न करवाए, जब भी हम पूछते हैं बोले हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी तक 3 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक रिटर्न का कोई पता नहीं है। 4th क्लास के 5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है 3 दिन के अंदर, और उनके लिए कोविड नहीं था। हमारे एटलीस्ट 10,000 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स हैं, हम भी चाहते हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम भी यूनिफॉर्म डाल के देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।